दादरी बार एसोसिएशन के प्राइवेट चौकीदार की हत्या की गई है। पत्थरों से हमला कर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। चरखी दादरी से आपको खबर बता रहे हैं, पत्थरों से कुचलकर ये हत्या की गई है। गांव घसोला निवासी सत्यवान बना वारदात का शिकार। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। बार के पूर्व प्रधान सहित 3 पर FIR दर्ज की गई है। चरखी दादरी से खबर आपको बता रहे हैं, प्राइवेट चौकीदार की हत्या की गई है। प्रदीप साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, कुछ सामने आ पाया है? विवेक, कल देर शाम की ये घटना थी दादरी के कोर्ट परिसर में। कार में सवार कुछ युवक वहां पे गाड़ी खड़ी करने को लेकर झगड़ा हुआ था, जो बार एसोसिएशन का प्राइवेट चौकीदार था और एक अन्य सफाई कर्मी था। उन्होंने जैसे ही इसको रोका, कार खड़ी करने को लेकर इनके आपसी झगड़ा हो गया, जिसको लेकर जो कार सवार थे लोग, उन्होंने इसको टक्कर मारी और पत्थरों से हमला कर दिया। हालांकि बाद में इसको गंभीर हालत में दादरी के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां पे चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इस मामले में पुलिस द्वारा बार के पूर्व प्रधान, एक वकील और कार चालक सहित 5 के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।